नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं रवि टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोबाइल से टीवी को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके बताऊंगा, बहुत ही सरल तरीके बताऊंगा, आप आसानी से अपने मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपका कोई भी मोबाइल रहेगा, कोई भी टीवी रहेगा, आप बहुत ही ईजी तरीके से अपने मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में। देखो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग्स लिखा हुआ है और यहाँ पे जाना है आपको सिस्टम सेटिंग्स में और यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है डेवलपर ऑप्शन में। ओके, यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जैसे लिखा है यूएसबी डेबगिंग, इसको आपको ऑन करके रखना है। और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ये मेन सेटिंग है, यही सीक्रेट ट्रिक है। इस सेटिंग को आप अगर कर लेंगे तो आपका जो मोबाइल है वो 100% टीवी से कनेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको जो है देख सकते हैं लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एमआईडीआई पे क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पे आपको एमआईडीआई पे क्लिक कर देना है अगर आप वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं तो। अगर आपको यूएसबी केबल से कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको यूएसबी ट्रेनिंग पर क्लिक कर देना है। ओके, इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर सिलेक्ट यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इस पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, अगर वाईफाई से क्लिक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर यूएसबी एथरनेट पे क्लिक करना है। मतलब अगर आप वाईफाई से आपको कनेक्ट करना है तो आपको मीडिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे क्लिक करना है। अगर आप जो है यूएसबी केबल से कर रहे हैं तो यहाँ पे यूएसबी या एथरनेट पे क्लिक करना है। ओके, तो इसके बाद आपको बैक कर देना है। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स नहीं है, यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल सेटिंग्स है, इसको छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे बैक करना है और यहाँ पे एक ऊपर के साइड से खींचना है, यहाँ पे जैसे लिया हुआ है यूएसबी ओटीसी लिखा है, उसको आपको ऑन करके रखना है। इसके बाद आपको जो है ऑन करके रखना है और इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन मिल जाता है। आपके मोबाइल में हो सकता है कि कास्ट का ऑप्शन रहेगा, मिरर का ऑप्शन रहेगा, मिररिंग का ऑप्शन रहेगा, तो उसको आपको ऑन करके रखना है। अगर आपके मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं है, ये जो आपको बता रहा हूँ स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन नहीं है, बहुत ही पुराना मोबाइल है आपके मोबाइल में स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन नहीं है, तो आपको जाना है अपने प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है स्क्रीन कास्ट स्क्रीन मिररिंग। ओके, टाइप करेंगे तो यहाँ पे पहले नंबर पे ये एप्लीकेशन मिल जाएगा और यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर का एप्लीकेशन है इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन से आपका जो स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन रहेगा या ना रहेगा तब भी आपका कनेक्ट हो जाएगा। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, अगर जाके वो वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वो जो है आपको वीडियो देख लीजिएगा। ओके, आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप क्लिक करके वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, इसको आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा, कोई भी सेटिंग्स नहीं करना है और आप आसानी से इसी तरीके से अपने मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं आपको टीवी के स्क्रीन पर ले जाता हूँ, आपको टीवी में जो है सेटिंग्स कौन सा सेटिंग करना है कैसे करना है वो चलिए आपको बताता हूँ टीवी के स्क्रीन पर लेकर। ओके, क्योंकि दोस्तों टीवी का जो सेटिंग है वो बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से जो है उनका टीवी जो है कनेक्ट नहीं हो पाता मोबाइल, तो आपको टीवी का सेटिंग भी बहुत इजी है, बहुत इजी तरीका है और आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप लोग नहीं समझ पाएंगे वीडियो को पोस्ट कर देंगे तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे और आपका जो टीवी है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए चलिए मैं आपको टीवी का स्क्रीन पर ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ वहाँ पर कौन सा सेटिंग करना है, कैसे करना है और आपको लाइव आपको कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। ओके, तो चलिए दोस्तों आप ले चलते हैं सीधा टीवी के स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं। ओके, टीवी को ऑन करने के बाद आपको HDMI पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे सेटिंग में आपको जाके HDMI पे क्लिक करना है और आपका जो टीवी है कनेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं आपको लाइव आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको चलिए टीवी के स्क्रीन पे, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरा जो मोबाइल है वो टीवी से पूरी तरह से कनेक्ट हो चुका है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जो भी मैं यहाँ पे स्क्रीन पर मोबाइल पर टच कर रहा हूँ वो पूरा टीवी में दिख रहा है। यहाँ पे सेटिंग में जा रहा हूँ, सेटिंग में दिख रहा है और यहाँ पे अगर मैं बैक आ रहा हूँ तो बैक दिख रहा है। ओके, तो देख सकते हैं पूरी तरह से ये मेरा जो मोबाइल है पूरी तरह से ये कनेक्ट हो चुका है टीवी में। सो दोस्तों इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं।